नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेशन में हम लोग डिजिटल कैलिपर के बारे में जानेंगे। जो डिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से एक डिजिटल कैलिपर होता है, जिसकी सहायता से हम लोग मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में अलग अलग एक्यूरेसी से मेजरमेंट ले सकते हैं। आज डिजिटल माइक्रोमीटर, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर के बारे में। पहला जो प्रकार है वर्नियर कैलिपर का है, जिसमें एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ के मेजरमेंट मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में एक साथ ले सकते हैं। दूसरा होता है डायल कैलिपर। डायल कैलिपर की सहायता से आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ के मेजरमेंट एक साथ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें यह फर्क है, इसमें मेट्रिक या फिर ब्रिटिश सिस्टम में ही ले सकते हैं, दोनों सिस्टम में एक साथ मेजरमेंट नहीं ले सकते। इसके लिए अलग अलग डायल कैलिपर का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा जो होता है वो डिजिटल कैलिपर। इसमें एक डिजिटल मॉनिटर होता है, उसके ऊपर आपके पूरे जो रीडिंग होती है वो शो हो जाती है। इसकी सहायता से आउटसाइड, इनसाइड और गहराई के माप एक साथ ले सकते हैं और मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में एक साथ ही ले सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। व्हाट इज अ डिजिटल कैलिपर? डिजिटल कैलिपर एक सटीक माप लेने वाला उपकरण है। यह कैलिपर तकनीकी रूप से सबसे रिसेंट इनोवेशन में से एक है। कैलिपर पर एक LCD डिस्प्ले रहता है। डायल कैलिपर पर एक डायल रहता है और जो सिंपल वर्नियर कैलिपर होता है उसमें स्केल होती है, उसकी जगह इसमें LCD डिस्प्ले फिट किया रहता है, जिसका उपयोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर भी अधिक सटीक माप लेने में सक्षम है। इसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.1 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में 0.0005 इंच तक माप लेने में सक्षम है। मतलब इतनी एक्यूरेसी से हम किसी भी जॉब के हम माप ले सकते हैं। व्हाट इज अ डिजिटल कैलिपर? डिजिटल कैलिपर्स मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों इकाइयों में माप ले सकता है। मतलब मेट्रिक वर्क सिस्टम में अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो भी आप ले सकते हो, और ब्रिटिश सिस्टम में अगर आपको माप लेना है तो भी आप एक ही कैलिपर से ले सकते हैं। उपयोगकर्ता मिलीमीटर और इंच का बटन दबाकर उसको जो सिस्टम में माप लेना है उस सिस्टम में माप ले सकते हैं। यह जो स्विच है इसको आप अगर ऑन ऑफ करते हैं, मतलब पुल करते हो, पुश करते हो, तो आप मेट्रिक से ब्रिटिश में और ब्रिटिश से मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज डिजिटल कैलिपर का होता है। रेफरेंस माप लेने के लिए इसका बहुत अच्छी तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको तुलना करना है दो या दो से अधिक जॉबों के ऊपर या माप के ऊपर, तो आप पहले एक जॉब का माप ले लीजिएगा, बाद में उसमें 0 का बटन दबा दीजिएगा और उसके बाद उसका जो रेफरेंस माप लेना है, आपको तुलना करना है जिस माप से दूसरे जॉब से, उसमें आसान तरीके से कर सकते हैं। मतलब कम है या ज़्यादा है आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो रेफरेंस माप लेने के लिए यह बहुत उपयोगी ऐसा कैलिपर है, क्योंकि इसको कहीं पे भी हम लोग 0 सेट कर सकते हैं। कुछ जो कैलिपर्स होते हैं डिजिटल, उसमें उसको कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है और उसमें जो मेजरमेंट की स्प्रेडशीट होती है वो उसमें सेव कर सकते हैं। बाकी कैलिपर में ये नहीं, आपको तो हाथ से ही नोट करके रखना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल कैलिपर में भी वो एक एडवांटेज होता है, जिसको कंप्यूटर की सहायता से जोड़ा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ डिजिटल कैलिपर।
अपर जा फार इनसाइड मेजरमेंट, लोअर जा फार आउटसाइड मेजरमेंट्स, ऑन ऑफ बटन, उसके बाद जीरो बटन, थंब स्क्रू, डेप्थ रॉड, मेन स्केल, इंच आर मिलीमीटर बटन, स्क्रू लॉक, एलसीडी डिस्प्ले, इस तरह से उसके पार्ट्स हैं। अपर जा का प्रयोग छेद या स्लैट के जो मेजरमेंट लेने हैं, व्यास लेना है या मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए किया जाता है। ये जो अपर जा होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। लोअर जा, इस जा का प्रयोग चौड़ाई, लंबाई और व्यास के जो माप होते हैं वो लेने के लिए किया जाता है। डेप्थ गेज, स्लॉट की गहराई या होल की गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। जो स्लाइडिंग यूनिट होता है उसके साथ ये फिट रहता है। एलसीडी डिस्प्ले, सटीक माप एलसीडी डिस्प्ले से आसानी से पढ़ा जा सकता है। मतलब हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो आसानी से एलसीडी डिस्प्ले में शो होते हैं और उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। डिजिटल कैलिपर मेन स्केल, एलसीडी के साथ साथ इसमें जो मेन स्केल होती है उसमें भी ग्रेजुएशन होती है। डिजिटल कैलिपर ऑन ऑफ बटन, आपको एलसीडी डिस्प्ले ऑन ऑफ करना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। डिजिटल कैलिपर जीरो बटन, आपको जब कैलिब्रेशन करना है या जीरो सेट करना है तो उस वक्त ये जो स्विच होती है या बटन होती है उसको आप आसानी से कहीं पे भी आप जीरो सेट कर सकते हो। अगर आपको तुलनात्मक माप लेना है तो उसमें इस बटन का बहुत ही अच्छी तरह से आप उपयोग कर सकते हो। डिजिटल कैलिपर थंब स्क्रू, ये जो थंब स्क्रू होता है वो डायल कैलिपर की तरह ही होता है। इसको आसानी से आप पुश करके मूवेबल जा को और डेप्थ गेज को आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। लॉक स्क्रू, लिए गए मेजरमेंट बदलना नहीं चाहिए इसके लिए लॉक स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। जो रीडिंग होती है वो हमारी चेंज नहीं होना चाहिए इसके लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। डिजिटल कैलिपर हाउ डू दे वर्क्स, डायल कैलिपर और हर्निय कैलिपर के विपरीत ये होता है। डिजिटल कैलिपर्स में रैक और पिनियन या फिर टू स्लाइडिंग स्केल का तंत्र नहीं होता है, इसके बजाय इसमें कैपेसिटिव सेंसर की एक श्रृंखला के कारण माप लेने में सक्षम बनाते हैं जो पूरी लंबाई में इस तरह से रहते हैं। कैपेसिटिव सेंसर की सहायता से इसका मेजरमेंट लेते हैं। यह सेंसर विद्युत आवेश में होने के वाले परिवर्तनों को पता लगाते हैं और जब जबड़े की दूरी होती है बदलती है तब यह शो कर लेता है। कैलिपर के पैमाने के नीचे तांबे या कांच की पट्टी, उत्कीर्ण आयताकार प्लेटों की संख्या होती है, इस तरह से एक होती है, और मूवेबल जा के नीचे एक सर्किट बोर्ड होता है। इसकी सहायता से एक कैपेसिटर का एक ग्रिड बनता है। जैसा कि स्लाइडिंग जबड़ा मुख्य पैमाने पर यात्रा करता है, मतलब ट्रैवल करता है, तो प्लेटों के बीच आयताकार प्लेट संरेखित या मिसलिंक होती है और कैपेसिटिव अपना काम करता है। यह कैलिपर के भीतर एक चिप को एक संकेत भेजता है जो एलसीडी डिस्प्ले पर दिखाता है। जैसे हमारी डिजिटल वॉच होती है उसी तरह ये कार्य करता है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैलिपर्स, इसके कुछ एडवांटेज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एलसीडी रीड आउट स्क्रीन माप पढ़ने को आसान बनाता है। मतलब यहाँ जो एलसीडी के ऊपर जो मेजरमेंट होते हैं वो आपको पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाते हैं। वर्नियर कैलिपर और डायल कैलिपर में जो एरर आती है पढ़ने में वो इसमें नहीं आती है। इसमें डायरेक्ट आपके जो फिगर्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। हाई एक्यूरेसी, इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर विश्वसनीयता और सटीकता दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर के साथ सुधरी है। मतलब
इसमें जो मेजरमेंट लेते हैं वो बहुत ही सटीक और एक्यूरेसी में होते हैं। जैसे कैलिपर में, वर्नियर कैलिपर और डायल कैलिपर में थोड़ी सी एरर आ जाती है, वो एरर यहाँ नहीं होती है। और जो कुछ कैलिपर्स होते हैं उसकी सहायता से 0.001 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में 0.00004 इंच तक माप ले सकते हैं। ये खाली स्पेशल कैलिपर होते हैं। ये आपको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही बताया कि आपको कहीं पे भी सेट करना है, जीरो सेट करना है, तो इसमें आसान एक तरीका होता है। आपको जीरो को बटन दबाना है, आपको वहीं से रीडिंग लेना स्टार्ट करेगा। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसमें, एक साथ आप मिलीमीटर और इंच सिस्टम में इसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। आपको अगर मिलीमीटर सिस्टम में लेना है, मेट्रिक सिस्टम में लेना है, तो आपको ये बटन पुश करना पड़ेगा, जो मेजरमेंट है वो आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ब्रिटिश सिस्टम में करना है तो आप ये बटन पुश कर लीजिएगा, वो मेजरमेंट आपके ब्रिटिश सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है और दोनों में एरर कोई नहीं होती। डिजिटल कैलिपर से आप अलग अलग में माप ले सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स होते हैं इसमें, मतलब आप इनसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं, आउटसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं, डेप्थ के और स्टेप मेजरमेंट है, चारों मेजरमेंट आप एक ही कैलिपर से ले सकते हैं, वो भी दोनों सिस्टम में। इसकी जो बैटरी होती है वो लॉन्ग लाइफ बैटरी होती है, 5 साल तक चलती है, मतलब 20,000 घंटे तक चलती है। और कुछ जो बैटरी होती है उसमें उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉक प्रूफ, मतलब इसमें शॉक प्रूफ होता है, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो शॉक प्रूफ होते हैं। रैक और पिनियम का जो होता है वो इसमें मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब अगर ये गिर भी गया तो भी इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। रैक और पिनियन में अगर गिर गया तो उसमें अगर तो थ्रेड्स होते हैं वो ख़राब हो गए गियर, तो आपको वो उसकी जो एरर होती है वो एरर ख़त्म हो जाएगी, इसमें वो संभावना दूर हो जाती है। डिसएडवांटेज, डिजिटल कैलिपर्स पानी या शीतलक के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हालांकि कुछ कैलिपर जो अत्यधिक वातावरण में भी उपयोग में डिजाइन किए जाते हैं, जो पानी प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इसमें हम उसको जो पानी होती है, मॉइस्चर वगैरह होता है जहाँ, उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वर्नियर कैलिपर को कर सकते हैं या फिर डायल कैलिपर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। ज़्यादा गर्मी और ठंडी के परिस्थितियों में इस कैलिपर का हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें जो विश्वसनीयता है वो घट सकती है। ये डिसएडवांटेज है इसका। अधिकांश जो डिजिटल कैलिपर है उसमें बैटरी की आवश्यकता होती है, बहुत समय तक चलती रहती है। और कुछ 100 डिजिटल कैलिपर्स होते हैं तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें बैटरी का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे वर्नियर कैलिपर और डायल कैलिपर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें बैटरी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाउ टू प्रिपेयर योर डिजिटल कैलिपर्स, अपने कैलिपर का प्रयोग करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से, जो मेजरमेंट फेस है उसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। कोई भी जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको उपयोग लाने से पहले उसके जो मेजरिंग फेस होते हैं उसको हमेशा साफ करना होता है, तभी उसकी एक्यूरेसी सही होती है। अपने डिजिटल कैलिपर का प्रयोग करने से पहले उसका जो जीरो सेटिंग है आपको हमेशा देखना पड़ेगा, और देखते समय आपको ये दोनों जो है आपको आपस में बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद जीरो की बटन आपको दबाकर उसको कैलिब्रेट करना है। हाउ टू टेक आउटसाइड मेजरमेंट यूजिंग अ डिजिटल कैलिपर, आपको बाहरी मेजरमेंट लेने के लिए इस जा का प्रयोग करना है। उसके पहली जो स्टेप है वो वस्तु को जबड़े के बीच में पकड़ना है, और दूसरे हाथ से उसको जो स्क्रू होता है, नर्लिंग स्क्रू ये वाला, उसको आपको प्रेस करके वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद आपको मेजरमेंट लॉक करना है, जो भी आपने मेजरमेंट लिया उसको लॉक करना है। उसके बाद जो LCD के ऊपर जो आपके मेजरमेंट होते हैं वो आपको पढ़ना है।
इनसाइड मेजरमेंट के लिए आपको ये जो निप्स होती है इसका प्रयोग करना है। दोनों निप्स को जो स्लॉट की आपकी चौड़ाई नापनी है उसमें फिट करना है और उसके बाद उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको वो रीडिंग जो होती है, वो जो वैल्यू होती है, वो आपको पढ़ के नोट करना है। डेप्थ मेजरमेंट के लिए डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। जिसकी भी आपको गहराई नापनी है, जिस स्लॉट की या होल की गहराई नापनी है, उसमें आपको डेप्थ गेज फिट करना है और उसको थंब स्क्रू की सहायता से जितना एडजस्ट हो सकता है, जितनी गहराई तक जाए उतना आपको लेके जाना है और उसके बाद आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको वो रीडिंग जो शो हो जाएगी वो आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टेप मेजरमेंट के लिए आपको जो नीप्स होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपको स्टेप मेजरमेंट में मेजरमेंट लेना होता है और उसके बाद उसको लॉक करना होता है और बाद में उसकी जो रीडिंग शो होती है वो आपको पढ़ना होता है। मेंटेनेंस, डिजिटल कैलीपर को कहीं ना कहीं सूखे और जो मॉइस्चर होता है उसको उससे बचाव करना चाहिए, हमेशा उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। डिजिटल कैलीपर के ऊपर जो बैटरी होती है हमेशा वो लंबे समय तक चलती है, लेकिन जब उसका प्रयोग नहीं करते तब उस बटन को हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। हाउ टू रिप्लेस बैटरी इन डिजिटल कैलीपर। डिजिटल कैलीपर में बैटरी आमतौर पर एक उपकरण के सामने एक बैटरी दरवाजे को पीछे पाई जा सकती है, मतलब ये आगे होता है या कई जो कैलीपर्स होते हैं डिजिटल कैलीपर उसके पीछे भी हो सकते हैं। इसको डोर को ओपन करके आपको वो फिट करना है, इस तरह से वो पीछे भी हो सकते हैं। इसको इस तरह से आपको निकालना डोर, उसके बाद आपको बैटरी भी फिट करनी है स्क्रू हटाने के बाद। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।